जस्ट फेस वॉश करके आई हूँ और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोइंग और इतनी ज़्यादा ब्राइट लग रही है कि 2000 के फेशियल को अगर ये पैक लगाते हो तो भूल जाओगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन होगा, उसको भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के फायदे ये हैं कि मेरे जितने भी वीडियो हैं आपको सब वीडियो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे और सब्सक्राइब करना 100% फ्री है। तो बात कर लेते हैं आज के फेस पैक की। तो आज का जो ये फेस पैक है बहुत 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 ही बेहतरीन है, यानी कि अगर पार्लर में जाकर के अगर आप 2000 रुपये का फेशियल कराते हो ना, तो ये फेस पैक अगर आप लगाते हो ना उसके बाद पार्लर जाकर के 2000 रुपये का फेशियल कराना तो आप भूल ही जाओगे। यानी कि आपको लगेगा कि जब इस फेस पैक से ही इतना ग्लो आ रहा है तो पार्लर में जाकर के 2000 रुपये का फेशियल क्यों कराना। और फेशियल करा के आते हो तो 2 दिन तक आपकी स्किन में ग्लो होता है, 2 दिन के बाद आपकी स्किन का ग्लो फिर खत्म हो जाता है। लेकिन ये पैक अगर लगाते हो तो आपकी स्किन का ग्लो कभी खत्म नहीं होगा, बहुत ही बेहतरीन है। तो फिर क्यों पार्लर जाके 2000 रुपये खर्च करना ना, जब घर में ही वो सब कुछ मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये पैक क्या क्या करने वाला है। तो ये फेस पैक सिर्फ फेशियल का काम ही नहीं करने वाला है, फेशियल के साथ जब आप करा के आते हो तो जो जो आपको फिलिंग आती है ना वो सब फिलिंग देने वाला है। यानी कि आपकी स्किन को टाइट करने वाला है, आपकी स्किन को ब्राइट करने वाला है, आपकी स्किन में फाइन लाइन रिंकल्स अगर शुरू हो गया है तो वो कम करने वाला है। मतलब ऑल इन वन पैक है, बहुत बेहतरीन पैक है। अगर आपकी स्किन सैगी हो गई है, अगर आपकी स्किन लटक गई है, बहुत की स्किन होती है ना वो थोड़ी एज के पहले थोड़ी लटक जाती है, फाइन लाइन रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, वो सब का काम ये ठीक करने वाला है। तो बहुत 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 ही बेहतरीन फेस पैक है। तो आज का वीडियो तो 100% देखना बनता है और पूरा देखना बनता है। तो मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी पार्ट जो है, कोई भी नॉलेज आपसे रह न जाए। चलिए आगे चल के देखिए कि इसको बनाते कैसे, इसको लगाते कैसे हैं और रिजल्ट कैसा आता है। और सबसे बड़ी बात, ऑल स्किन टाइप्स के लिए, अगर आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, ऑल स्किन टाइप्स के लिए। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट, नेचुरल इंग्रेडिएंट सबको सूट नहीं करता है तो पहले पैच टेस्ट कर लें। अगर कोई आपके चेहरे पर कोई खुजली और जलन वगैरह नहीं हो रहा है तब आप उसे अपने पूरे फेस पे लगाएं। और ये एक ऐसा पैक है जो आप सिर्फ अपने फेस के ऊपर ही नहीं लगाओगे, आप अपने नेक के ऊपर लगाओगे, आप अपने हैंड के ऊपर लगाओगे, आप अपने लेग के ऊपर लगाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए आप या तो आप ग्राइंडर ले सकते हो या फिर आप कोई भी बाउल ले सकते हो और उसके अंदर ही आप इसको बना सकते हो। तो मैं एक फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेना है बनाना, पका हुआ सरा गला बनाना, जिसको बस आप फेंकने वाले हो, खाने के लायक नहीं है, बस आपको वो ले लेना है। मैं क्या करती हूँ, इसको या तो ग्राइंडर में या फिर एक जो है किसी भी बाउल में रख करके उसको स्पून से अच्छे से ये मिक्स करती हूँ। लेकिन आज मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे एकदम से स्मूथ पेस्ट बनाना है। क्योंकि अगर आप स्पून से करते हो ना तो उतना अच्छा स्मूथ पेस्ट वो नहीं बनता है। और मुझे इस पैक को अपने पूरे अपने दोनों लेग पे लगाना है, अपने हैंड में भी लगाना है। यानी कि ये एक ऐसा पैक है जो आप अपने पूरे बॉडी में लगा सकते हो, अपने पूरे बॉडी की स्किन को ग्लोइंग, ब्राइट और टाइट कर सकते हो। और अगर जिनकी नेक जो है कि नेक की स्किन भी बहुत की लूज़ हो जाती है तो आप अपने नेक पे भी ज़रूर लगाएं। बनाना क्या करता है, आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है, आपकी स्किन को एकदम दूध के जैसा गोरा बना देता है। आप मतलब दूध के जैसा गोरा मतलब अब ये नहीं है कि जिनकी रंगत कम है वो एकदम से दूध जैसे गोरे हो जाएंगे, कहने का मतलब कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। हाँ, अगर आपको सूट कर जाता है फेस पैक तो आपकी स्किन टोन जो है 1 से 2 टोन तक ज़रूर फेयर हो जाएगी। तो ये बनाना को ग्राइंड की हूँ और ग्राइंड करने के बाद ये जो है तकरीबन 2 स्पून के करीब में जो है आपको बनाना पल्प है मेरे पास। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो बनाना पल्प ये हूँ। उसके बाद जो अभी सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो है, आपको इसके अंदर जो लेना है सेकेंड इंग्रेडिएंट वो है कर्ड।
तो आपको कर्ड भी लेना है 1 स्पून के करीब में। अगर आपको कर्ड नहीं सूट करता है, यानी कि अगर आपको दही सूट नहीं करता है, तो आप जो हो इसके अंदर जो है रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको रॉ मिल्क भी नहीं सूट करता है और दही भी नहीं सूट करता है, तो आप इसके अंदर में रोज़ वाटर आप डाल सकते हो। अब जो इसके अंदर मैं थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है कॉफ़ी। और कॉफ़ी आप सबको पता है कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है, जो हमारे स्किन को बहुत बहुत ज़्यादा गोरा बनाता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है हमारी स्किन के को, तो बहुत बेहतरीन माना गया है। अब जो इसके अंदर मैं फोर्थ इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है ऑरेंज पील पाउडर। और मेरे पास ऑरिगेंज ब्रांड का है, आपके पास जो भी ब्रांड का हो आप ले सकते हो। तो 1 स्पून ही इनफ होता है। और 2 चम्मच, अब अगर बनाना पल्प है तो 1 चम्मच ऑरेंज पाउडर काफ़ी होता है, ऑरेंज पील पाउडर। अगर आपको लग रहा है कि थिक आपका पेस्ट हो गया है तो आप रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी आदत है इसलिए मैं मिक्स कर रही हूँ। कंपलसरी नहीं है कि रोज़ वाटर ही आपको मिक्स करना है। अगर आपके पास, अगर आप इसके अंदर कर्ड यूज़ कर रहे हो यानी कि दही, तो आप दही का पानी मिक्स कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेस्ट थिक हो गया, तो अगर आप रॉ मिल्क यूज़ कर रहे हो यानी कि कच्चा दूध, तो आप इसके अंदर जो है कच्चा दूध मिक्स कर सकते हो। तो पैक बन के हो गया रेडी, अब इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। फेस पैक बन के हो गया है रेडी, अब इसे लगाने की बारी। तो एक चीज और, कितने लोगों को मेरा मेकअप वाला वीडियो देखना है, तो प्लीज कमेंट करो यार। मुझे ना मेकअप, मुझे आता नहीं मेकअप करने उतना, लेकिन मुझे ना मेकअप अब जब तक सीखूंगी नहीं तब तक कैसे आएगा ना, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत मेकअप वाले वीडियो डालूं। तो मैं ये रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ, और ये कंपलसरी नहीं है, मुझे इसकी आदत है। अगर आप सब चाहते हो कि मैं मेकअप वाले वीडियो करूं, तो बहुत सारे कमेंट करो, हाँ फिर मैं मेकअप वाले वीडियो डालूंगी। ठीक है, ट्राई करूंगी मेकअप करने का। चलिए, माय फेवरेट फेस पैक बन के रेडी हो गया है। ये फेवरेट फेस पैक मेरा ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये बनाना है ना, हमारे स्किन के लिए बहुत बड़ा वरदान है। मीन्स हमारी अगर स्किन सैगी हो गई है, लटक गई है, जान नहीं है, ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, फाइन लाइन रिंकल्स अगर आ गए, तो उन सब के ऊपर ये काम करता है। तो ये बहुत बेहतरीन है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर आप +30 हो तभी इस फेस पैक को लगाओ। अगर आपकी उम्र 14 साल से ज़्यादा की हो गई है तो भी आप इस फेस पैक को लगा सकते हो, अपनी स्किन को ब्राइट करने के लिए, लाइट करने के लिए, अपनी स्किन को टाइट करने के लिए और ग्लो लाने के लिए। ओके, चलिए। ओह माय बेबी, गॉट मी स्टेपिंग एट यू, सो आई एम क्रेजी, वॉन्ट यू बेंड दैट बैक फॉर मी, वी वोंट स्टॉप, गॉट योर फीट बोथ लाइक, यू गेट टू फ्लाई विद मी, ड्राई होने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। जब ये ड्राई होता है उसके बाद आपको हल्का मसाज करते हुए, यानी कि सर्कुलर मोशन में मसाज करना है आपको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, और उसके बाद आपको वॉश करना है। आपको सीधा वॉश नहीं कर लेना, या तो आप वॉश करने के समय आप मसाज कर सकते हो या फिर आप लगाने के समय ही मसाज कर सकते हो। तो आपको जो सही लगे आप उस टाइम में करें। मैं मोस्टली जब वॉश करने जाती हूँ उस टाइम में इस पैक को मैं मसाज करती हूँ, तो मैं जब वॉश करने जाऊँगी तब मसाज करूँगी। मेरी स्किन एकदम टाइट हो गई है, वॉश करती हूँ उसके बाद आकर के रिजल्ट आपको दिखलाती हूँ। लेकिन वॉश कैसे करना है, मसाज करना है। अगर आपके पास रोज़ वाटर है और भरपूर मात्रा में रोज़ वाटर है, तो जैसे मैं करती हूँ आप वैसे कर सकते हो। स्प्रे कर लो फेस के ऊपर रोज़ वाटर से, और उसके बाद इसको ऐसे मसाज करो। यहाँ पे गिर रहा है ना, तो मसाज करना है आपको, और उसके बाद जो है आपको अपने फेस को वॉश करना है। देखिए थोड़ा ही निकला है, मेरी स्किन कितनी ज़्यादा टाइट और कितनी ज़्यादा ब्राइट लग रही है। वॉश करके आती हूँ, फिर रिजल्ट। आपको मेरी स्किन कैसी लग रही है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा ब्राइट।
बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है मेरी स्किन, और बहुत ज़्यादा मतलब फेशियल करा के आते हो ना तो वो जो आपको फीलिंग आती है ना, एकदम आपको लगता है ना कि आपका फेस एकदम हल्का हो गया है, एकदम टाइट हो गया है, वैसा ही ये पैक लगाने के बाद आपको आपके स्किन में आपके फीलिंग आने वाली है। आपको ऐसा फील होने वाला है कि मतलब फेशियल करा करके आ गए हो। फेस पैक है तो ये फेस पैक एकदम लगाना बनता है, और इस फेस पैक का रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करना बनता है। एक बार में ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत 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 ही बेहतरीन फेस पैक है। तो अगर आप अच्छा, अब आपका होगा कि इसको बना करके कितने दिन तक स्टोर रख सकते हैं, तो इसको बना करके आप आराम से 3 डेज तक स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज के अंदर। लेकिन अगर आप कवर करके रखते हो तो कुछ इस तरह से, अगर आप कवर करके रखते हो तो आप रख सकते हो, अगर आप ओपन रखते हो तो ये तुरंत ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप जब भी फ्रिज में रखते हैं तो कवर करके रखें। हाँ, मुझे मेरी स्किन बहुत 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 अच्छी लग रही है। अब होता है कि इसको वीक में कितने दिन तक लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सैगी है, यानी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लटक गई है, सैगी है, तो आप इसको वीक में आप 4 to 5 days लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लटकी हुई स्किन है अगर आपकी, मतलब तो 4 to 5 days। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल स्किन है और सही है, अगर आप 14, 15 या 20 के हो, 30 के हो, ले आपकी स्किन तो सैगी नहीं हुई है लेकिन मतलब ग्लो नहीं है आपकी स्किन में, तब आप इसको वीक में 3 days लगा सकते हो। लेकिन जैसे मैं बताई हूँ, मसाज करके और उसके बाद आप इसको यूज़ करें, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाला है। मेरे कहने पर ये फेस पैक आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और भी अच्छा लग गया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।